नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले नज़र जाती है इनकी उंगलियों के फैलेंज पर, ये काफ़ी बड़े है फर्स्ट फैलेंज। तो व्यक्ति एनालिटिक पर्सनालिटी होती है, प्लस इनकी उंगलियां भी काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी उंगली वाले ज़्यादा सोचते हैं अपने कार्य के प्रति, ज़्यादा एनालिसिस करते चीज़ों की, और कार्य में थोड़े से स्लो होते, ये टाइप की मानसिकता होती है। बहुत स्पीड में निर्णय नहीं लेते ये लोग। अब चलते इनके अंगूठे की ओर। अंगूठा एवरेज है, पर उसका फर्स्ट फैलेंज बड़ा है, यानी इनमें जिद ज़्यादा होगी, पर सेकेंड फैलेंज इतना बड़ा नहीं है। तो ये अपनी बात किसी को समझाने में उतनी हुनर इनके पास नहीं रहने वाली, पर जिद ज़्यादा होगी और नुकीलापन भी है। तो जिद, कोई कार्य के पीछे लग जाएंगे तो उसको पूरा करके छोड़ेंगे, पर समझा नहीं पाएंगे किसी को। इनकी छोटी उंगली अच्छी खासी बड़ी है, तो ये प्लस पॉइंट है। याद शक्ति अच्छी होती है इनकी, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सारी चीज़ों में और चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सारे गुण इनमें अच्छे खासे होते हैं। और ये उंगली भी व्यक्ति को सफल करती है। अगर अंगूठा थोड़ा सा बड़ा होता तो चार चांद लग जाते। अब चलते हैं इनके ग्रहों की ओर। उसके पहले इनकी हथेली। हथेली चौड़ी भी है और रेक्टेंगल भी है, तो दोनों तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं। व्यक्ति मेहनती भी होता है, प्लस साथ साथ में बोलकर भी कार्य करता है। अब इनका जो ग्रह है इनके, वो नॉर्मल है, ज़्यादा उभरे हुए नहीं है। बुध ग्रह मध्यम है, तो मध्यम क्वालिटी होगी इनमें। व्यापार वाणिज्य की एक बहुत ज़्यादा बड़ी सोच तो नहीं होगी, पर कम भी नहीं होगी। और इनके सूर्य पर्वत पर एक खड़ी स्ट्रांग रेखा नहीं है, तो इनको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं होता। और यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, तो इनको जो भी कार्य मिलेगा वो मल्टी सिटी मिलेगा जीवन में। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट है तो इनको मल्टी सिटी कार्य मिलेगा जीवन में। अब शनि पर्वत, शनि पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभरा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आलस व्यक्ति में रहता हो या फोटोग्राफ्स में ऐसा लगता हो, पर इनकी जो रेखा है फेट लाइन, वो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो इनका विदेश से धन प्राप्ति का योग क्लियर कट दिख रहा है। और एक साइन है जो हल्की लाइनों से बनी है, शुक्रवलय। ये जब साइन आती है व्यक्ति, तो व्यक्ति आम लोगों से अच्छा खासा पैसा कमाता है। यहाँ तक ये लाइन डार्क है, पर उसके बाद ये हल्की होकर इस तरह से जा रही है। तो शुक्रवलय बहुत बड़ा तो नहीं बन रहा है, पर इतना भी शुक्रवलय व्यक्ति को, आम इंसान जहाँ हजार कमाता वहाँ ये लोग लाखों कमाते, यानी पैसे का सुख इस हाथ में है इस शुक्रवलय के कारण। अब सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर है इनके हाथ में, तो ये है गुरु पर्वत। इस तरह का दबा हुआ गुरु पर्वत बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है जीवन में। सबसे पहले तो पारिवारिक सुख, व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है, एक माइनस पॉइंट वो। कभी कभी पत्नी से भी वाद विवाद होता है, और परिवार के दुनिया भर के प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट गुरु पर्वत जब दबा होता है तो होता है। इसका इलाज मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। अभी वर्तमान उम्र इनकी 70 इयर्स की है, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल पर। अंदरूनी मंगल एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह है, काफ़ी साफ सुथरा और क्लीन है। ये स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा खासा अगर ध्यान दे और इनके परिवार इन पर कंसंट्रेशन करे, तो अच्छा खासा स्पोर्ट्स के अंदर नाम कमा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लीन और नीट है अंदरूनी मंगल। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल पर। बाहरी मंगल भी उभरा हुआ है, तो ये जी किसी से मिलेंगे तो कंफर्टेबल सामने वाला फील करेगा, प्लस कोई भी प्रॉब्लम आई लाइफ में तो उसको अपने बलबूते पर सॉल्व करने की हिम्मत होती है इनमें।
ये सबसे बड़ी खासियत है। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत इस पार्ट तक काफ़ी उभरा हुआ है, पर ये पार्ट थोड़ा सा दबा है, तो हो ना हो इनको बोलने की ज़्यादा आदत हो, क्योंकि जब चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी दबता है तो व्यक्ति बोलने की क्रिया में ज़्यादा मास्टर होता है, काफ़ी बोलता है। हो सकता है इनके साथ भी ये चीज़ होती हो। और यहाँ पर चंद्र पर्वत पर जीवन रेखा से लाइन चलती है, तो ऐसे लोग या तो फॉरेन में सेटल हो जाते या इनका फॉरेन में आना जाना लगा रहता है। और ये जो रेखा है ये भी अच्छी खासी चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है, तो ये भी इनके जीवन में हो सकता है इनका सेटलमेंट ही फॉरेन में हो, और ये रेखा इनको पेट का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जीवन में। अब चलते हाँ और एक लाइन, ये जो लाइन है अगर इस लाइन को काटती होगी तो इनका प्रेम प्रसंग यानी विफल जाएगा, अगर काटती होगी तो। अगर यहाँ पर मिक्स हो गई होगी इस तरह से इस फेट लाइन को, तो इनका प्रेम प्रसंग सफल रहेगा। अब इनका मनी ट्रायंगल देखते, ह्यूज लेवल का मनी ट्रायंगल है, तो इस तरह का मनी ट्रायंगल अच्छी खासी वेल्थ देता है जीवन में। व्यक्ति को बहुत सारे इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं वेल्थ के बाबत। वेल्थ से रिलेटेड इस हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, काफ़ी वेल्थ इस पाम पर है। अब इनका देखने लायक शुक्र पर्वत है, गुलाबी और क्लीन एंड नीट। ये जो भी कार्य करेंगे टोटल रिकग्नाइज होगा इनका कार्य, क्योंकि एक भी बारीक रेखा है इस शुक्र पर्वत पर नहीं चल रही, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन देता है, पर सामने गुरु पर्वत माइनस पॉइंट है। अगर ये दोनों को बैलेंस किया जाए तो अच्छा खासा धन इनके जीवन में आएगा ह्यूज लेवल का। अब चलते इनकी रेखाओं की ओर। रेखा भी हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया, थोड़ी सी टच होकर गुरु पर्वत से निकल रही है, तो कंप्लीट इनको विश्वासों किस्म का इंसान बनाती है, बहुत भरोसे लायक होते हैं। हाँ, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, एक माइनस पॉइंट रहता है, उसके सिवा इस हार्ट लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं, काफ़ी स्मूथ हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन पर ऐसा कोई दोषारोपण नहीं है। हाँ, जीवन के पिछले समय में थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियाँ इनके सर पर आएगी, वो यहाँ पर दिख रहा है, तो वो बट नेचुरल चीज़ है। व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, वैसे वैसे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ती है। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखे तो इस लाइन पर बहुत दबाव है शुरुआती स्टेज में, यहाँ से चली यहाँ तक, और इस पीरियड में काफ़ी दबाव है। तो व्यक्ति ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ जो व्यक्ति जीता है, या पढ़ाई में मास्टर होता है, या सफलता पाने के लिए इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, उसकी ये दबाव माइंड लाइन पर भी दिखता है। और यहाँ पर एक योग की साइन बनी हुई है, हो ना हो अभी ये कोई ना कोई मानसिक तनाव वाली स्थिति से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक यव तो नहीं कह सकते पर एक एक्स्ट्रा लाइन चल रही है, तो व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा दबाव देती है जीवन में, एक एक्स्ट्रा बोझा मिलता है, या तो सफलता मार्क्स लाने का हो या कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर सफलता पाने का हो, वो दबाव व्यक्ति के यहाँ पर दिख रहा है। अब चलते इनके, और उसके बाद भी थोड़ा सा दबाव है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये उम्र लगभग 33-34 तक इनके ये दबाव रहेगा, और उसके बाद इनकी माइंड लाइन अच्छी खासी स्मूथ होकर लंबी है पूरी, यानी बुद्धि प्रतिभा इनके पास अच्छी खासी होगी, बुद्धि प्रतिभा के जोर पर बहुत सारा विकास करेंगे। अब इनकी जीवन रेखा को समझते हैं। जीवन रेखा भी देखिए, शुरुआती स्टेज जिगजैक है, तो इस पीरियड में व्यक्ति संघर्षमय जीवन रहता है, और लगभग बचपन बहुत लोगों का संघर्षपूर्ण रहता है, वो इनके पाम पर भी दिख रहा है। पर उम्र लगभग 32-33 के आसपास इनके जीवन में एक बहुत अच्छी सी
शुरुआत होगी और इनकी जीवन की गाड़ी अच्छी खासी आगे बढ़ेगी और पूरा परिवार का ध्यान रखने वाले व्यक्ति बनेंगे, परिवार के हर व्यक्ति से टच में रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। दोनों कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर परिवार का सुख कम दिखा रहा है और ये जो जीवन रेखा है वो दिखा रही है ये परिवार की ओर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने वाले इंसान होंगे, क्योंकि जिसकी भी जीवन रेखा ऐसी घूमती है वो व्यक्ति परिवार के बारे में ज़्यादा टच में रहता है, पारिवारिक लोगों से टच में रहता है, तो ये प्लस पॉइंट है। और शुक्र के गुण भी जब ये रेखा घूमती है तो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। और जीवन रेखा पर कोई भी मुझे ऐसा राहु रेखा का बहुत बड़ा वार नहीं दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है, ये दो को छोड़कर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी जीवन में दिख नहीं रहा है। और ये वार होगा लगभग 34 के आसपास कोई ना कोई जीवन में इनके टेंस आएगा और ये लगभग 45 के आसपास ये टेंस रहेगा इनके जीवन में, इसको छोड़कर कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। अब चलते इनकी फेट लाइन को समझते, क्या है इनकी फेट लाइन। इनकी फेट लाइन यहाँ से शुरू होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है, जब इस तरह से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष दिखता है इनके बचपन में, पर उसके बाद ये फेट लाइन इस तरह से घूम रही है आगे और इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये भी इनके महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रही है और विदेशी इनकम की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इनका मुंह सूर्य पर्वत की ओर घूम रहा है। और ये लाइन जो पारिवारिक इनकम की लाइन है वो यहाँ तक इनको सपोर्ट कर रही है और यहाँ से एक लाइन निकल रही है जो इनको सपोर्ट करके आगे बढ़ रही है, तो इस तरह का इनका जीवन रहेगा। और इनकी जो फेट लाइन है नॉन स्टॉप चल रही है, है पतली, तो व्यक्ति को धन तो अच्छा आता है पतली रेखा से, पर एनर्जी खूब लगानी पड़ती है कमाने के लिए, ये एक माइनस पॉइंट होता है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति पैसा कमाने में ही बिजी रहता है, जैसे अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की किसी ने, तो उनकी हाथ में भी इस तरह की रेखा रहती है। मल्टीनेशनल कंपनियां पैसा तो खूब देती है पर व्यक्ति का पूरा समय खा जाती है, सुबह से लेके रात तक व्यक्ति कंप्यूटर से ही बाहर नहीं निकलता, मेहनत कर करके थक जाता है, तो इस तरह की इनकी फेट लाइन है। ह्यूज लेवल की मेहनत इनको करनी पड़ेगी लाइफ में और ये एक समय होगा जहाँ इनको बड़ी प्रॉपर्टी या इस तरह का कोई ना कोई लाभ इनको जीवन में मिलेगा। ये लाभ होगा इनका उम्र लगभग 49 के आसपास, इस पीरियड में कोई ना कोई परिवार का बड़ा खर्च इनके जीवन में आएगा। बाकी इनकी फेट लाइन पर एक थोड़ा सा कट उम्र 36 के आसपास है, एक थोड़ा सा 34 के आसपास है, हल्का सा, कोई ज़्यादा कट है नहीं इनके जीवन में, तो इनकी फेट लाइन काफ़ी स्मूथ है और जीवन रेखा पर भी प्रोग्रेस लाइन है, तो इनका प्रोग्रेस होते रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये योग्य पाम है, ज़्यादा तकलीफ इनको जीवन में उठानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि नहीं ज़्यादा राहु रेखा है, मनी ट्रायंगल अच्छा है, शुक्र वलय है, तो पैसे के मामले में अच्छा खासा होगा। और ज़्यादातर इनका जो पाम है वो लगता है एक बिजनेसमैन का पाम है, ये बिजनेस की ओर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा या कोई ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर इनकी एनर्जी अच्छी खासी लगे, चाहे जॉब करे, तो इस तरह का पाम है। पर वेल्थ इनके जीवन में कंटिन्यू आती रहेगी और ज़्यादा दबाव इनके जीवन में दिख नहीं रहा है और महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होंगे। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।